हेलो गाइज वेलकम टू आर चैनल वाई कैन एपीडल तो गाइज़ कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे तो गाइज़ uh, मैं सुबह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइज़ हम हम जो अभी रिसर्च कर रहे हैं सारी सॉपी के रिगार्डिंग कर रहे हैं जो सॉपी अभी दो महीने पहले लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर ठीक है और ई e कॉमर्स की सारी अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी जितनी भी हमारी वीडियो है वो सारी सोपी के लिए होने वाली है और आज की जो मेरी वीडियो है वो सोपी के सेलर के लिए भी होने वाली है और कस्टमर के लिए भी होने वाली है तो वो इंपॉर्टेंस क्यों है दोनों के लिए मैं आपको वो बता देता हूँ कंटेंट क्या है कंटेंट आज का हमारा रहेगा कि अगर आप सोपी कस्टमर है और आपने कोई प्रोडक्ट को बाई कर रखे किसी से भी एनीथिंग किसी किसी भी सेलर से बाई किया ठीक है और बाय चांस वो प्रोडक्ट मतलब आपको बेहतर लगा बहुत अच्छा लगा तो आप रेटिंग कैसे देते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताएंगा और अगर आपने उस रेटिंग को दे रखा है तो आप उसको एडिट कैसे करेंगे एक्चुअली ये जो हमारी वीडियो है वो एडिट पे ही रहेगी कि एडिट कैसे करेंगे अगर आप उन्हें ऑलरेडी रेटिंग्स दे रखी है तो आप उसको एडिट कैसे करेंगे और अगर सैलर के सेम समस्या सेलर को भी होते हैं कभी कभी कि सैलर को कोई गलत रेटिंग दे, दे देता है गलती से मतलब कस्टमर गलत रेटिंग दे देता दे दे है और वो फिर एडिट नहीं कर पाता क्योंकि उसको नहीं आता एडिट कैसे करते हैं तो वही बात हम इसमें तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अगर कस्टमर है या फिर सेलर है तो अगर आपको रेटिंग एडिट करनी है जो आपने रेटिंग्स दी है सेलर को जो मतलब प्रोडक्ट पे आपने रेटिंग्स दी है उसको आप एडिट कैसे करेंगे तो गाइज़ सबसे पहले आपको सिंपल सा है कि एप्लीकेशन तो आपने इंस्टॉल कर ही रखा होगा तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ठीक है और अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है और गाइज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करके बताता हूँ कि आप कैसे अपने जो रिव्यू है जो आपने रेटिंग्स दी उसको कैसे एडिट करते हैं तो वीडियो वीडियो स्टार्ट करते और गई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जो है बिल्कुल उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमेशा मिलती रहे ठीक है गाई तो बिगड़ देर मतलब देरी किए बगैर आप चलते वीडियो की तरफ और स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लेना है अपने पोर्टल को सॉपी के एप्लीकेशन को आफ्टर लॉगिन आप जैसे लॉगिन कर लेंगे लॉगिन करने के बाद आपको जाना है मी में क्योंकि आपको पता है ये हमारा होम डैशबोर्ड है और ठीक है राइट साइड में मी का ऑप्शन है वहाँ पे आपका डाटा होता है मी आप जाएंगे सबसे पहले यूजर नेम दिखे मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें भी सब वीडियो में बताता हूँ ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है मतलब ये सारी काफ़ी सारे है चैट का ऑप्शन भी है इसके नीचे आप देखते होंगे यहाँ पे माई परचेज परचेजिंग में चार ऑप्शन आपको देते हैं टू पे टू सी टू रिसीव और टू रेट टू सिप में मतलब वो प्रोडक्ट होता है जो आप ऑर्डर करते हो लेकिन सिप होने वाले होते हैं जो अब सिप नहीं हो अब तक ठीक है इसके बाद टूरिस में वो ऑर्डर आ जाते हैं जैसे वहाँ से सिप हो जाते है वो टूरिसी में आ जाते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं होते और जैसे वो डिलीवर होते हैं वो भी टूरिसी में होते हैं आफ़्टर डिलीवर जब हम हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं है, अगर बेहतर लगे तो हम उस पर फाइव स्टार फोर स्टार जो मन करे वो मतलब देते हैं ठीक है और बाई चांस आपको सेवन डेज़ एट डेज़ या टेन डेज या ट्वेंटी डेज एन कभी भी मान लो प्रोडक्ट आपको मतलब बेकार हो गया मतलब आपने सोचा कि यार ये तो चार दिन हुए इसको और ये बेकार हो गया तो आप उसका रेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं तो आप कैसे अपडेट करेंगे उस रेटिंग को मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ ठीक है तो अभी आपको क्या करना है इसमें इसमें आपको ये आपका होम बोर्ड से मी में आना है मी में आने के बाद आपको जाना है लास्ट ऑप्शन पे टू रेट पे आप टू रेट पे क्लिक करेंगे टू रेट पे क्लिक करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट भी मतलब बाई कर रखा है वो जिस प्रोडक्ट पर आपने रेटिंग दी थी वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीटेड में क्योंकि कंप्लीटेड का ही आएगा जैसे आप टू रेट पे क्लिक करेंगे गाइस वो कंप्लीट सेक्शन पे लेके आएगा क्योंकि हम रेट उसी को कर सकते हैं जो कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाते हैं ठीक है इसके बाद बाय अगेन भी कर सकते हैं लेकिन आपको बाय अगेन और नीचे किसी भी सेक्शन पे क्लिक नहीं करना ऑर्डर टोटल के नीचे जो फोटो है उसके ठीक बराबर में आपको क्लिक करना है नेम पे जैसे आप नेम पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका डेटा आ जाएगा कि आपने रेटिंग्स वगैरह कब दी थी कब नहीं दी थी ठीक है यहाँ पर आपने लिखी आप लिखा भी आ जाएगा ऑर्डर कंप्लीट थैंक यू फॉर रेटिंग किया आपने रेटिंग दे रखे और किस तारीख को रेटिंग दी थी इसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऑर्डर आई आपको दिखेगा टाइम दिखेगा और कॉन्टेक्ट सेलर और व्यू रेटिंग ऑप्शन आएगा आपको कॉन्टैक्ट सेलर नहीं करना सीधे व्यू रेटिंग पे क्लिक करना है अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है बायर से तो बायर सेलर से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके बाद गाइज आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जो रेटिंग दी थी वो आपको शो कर रही है तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूँ कि ये रेटिंग्स अभी फिलहाल यही शो कर रही है इसके बाद आपको करना है एडिट पे क्लिक अगर आपको ये एडिट करनी है अब जैसे ही इसको एडिट पे क्लिक करेंगे गाइज तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो फाइव फाइव स्टार दिया था तो आप इसको जितना भी फोर स्टार थ्री स्टार टू स्टार आप जितना भी दे सके और अगर वन स्टार है तो किस 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 रीजन से टू स्टार है या फिर थ्री स्टार है जैसे थ्री स्टार हो जाता है गाइज वो ऑलरेडी परफेक्टली हो जाता है तो वो फिर नहीं मांगेगा आप यहाँ पर फोटो एड कर सकते हो या फिर वीडियो या फिर यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना है ठीक है तो आप वो भी कर सकते हो जैसे कि मैं भी एडिट कर देता हूँ ग्रेट वैल्यू लिख के और इसको मैं फाइव स्टार देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और कर देना इसके बाद सबमिट ठीक है तो गाइज़ आपकी जो रेटिंग्स है वो अपडेटेड हो चुकी है आप देख सकते हो पहले जो रेटिंग्स था वो ग्रेट प्रोडक्ट थैंक्स था अब ग्रेट वैल्यू मैंने लिखा वो भी इसमें अपडेटेड हो गया तो अच्छे से और बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया और अगर आपको ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और जितने भी मतलब दोस्त है जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है रिलेटिव्स है उनको ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी समझ सके और जो उनके पास मतलब अगर वो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम में है जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीद दिया और वो दो तीन दिन बाद ही वो मतलब प्रॉब्लम में है मतलब ठीक नहीं हो रहा एनीथिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल वो उसकी रेटिंग्स को अपडेट कर सके क्योंकि गाइस जो कस्टमर होते हैं वो रेटिंग्स देखकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंस देती है प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए तो कोई भी अगर कल को आपको भी ज़रूरत है तो जैसी बात है आप एक्जेक्ट ही रेटिंग दें मैं तो यही कहूँगा क्योंकि कल को आपको भी खरीदना है तो सामने वाला अगर फ्रॉड करे तो वो ही गलत है तो एग्जैक्ट रेटिंग दें आप दो तीन या सात दिन जब भी आप फोन करें बदल सकते हैं ठीक है तो गाइज वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्रा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय